बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और मंच पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी और मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद और भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और मंच पर उपस्थित केंद्र के मंत्री श्रीमती आशा लकड़ा जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर ओराव जी और प्रदेश के प्रभारी श्री लक्ष्मीकांत जी और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री नगेंद्र जी, करमवीर जी, मंच का संचालन कर रहे श्री विरंचे जी और बागमारा से विधायक श्री ढुल्लो महतो जी, केदार हाजरा जी और मंच पर उपस्थित श्री जयंत सिन्हा जी, हजारीबाग से और चतरा के सांसद श्री सुनील सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राय जी, ऐसे मंच पर उपस्थित तमाम अन्य विधायकगण, पूर्व विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और मंच पर उपस्थित तमाम नेता और जिला के अध्यक्ष गण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथ, आज हम सब लोगों के बीच में जिनको हम लोग सुनने के लिए आए हैं, विशेष तो हम सब लोग उनको सुनेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता के दिलों में झारखंड बसता है और इसलिए झारखंड के लिए, जो झारखंड वासियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है, वो किसी भी दल ने आज तक इस प्रकार की चिंता नहीं। अब प्रारंभिक काल से ही देखें, अगर वर्षों पुरानी मांग को अलग राज्य की भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा की और झारखंड बनने के बाद भी झारखंड की जो विकास की जो गाथा है, चाहे वो गांवों तक सड़क हो, चाहे घरों तक बिजली हो, चाहे गरीबों को घर हो, यानी चाहे आज देश के जो 80 करोड़ आबादी जो गरीब को, झारखंड इतनी गरीब राज्य, उन गरीबों को भी अनाज फ्री में उपलब्ध हो रही है, तो आज ये नरेंद्र मोदी जी के कारण ये संभव हो पा रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब जब इस देश और प्रदेश में जब यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है तो विकास के काम को तो पूरी तरह से वो भूल जाते हैं, बल्कि वो लूटने में लग जाते हैं। आज झारखंड की हालत क्या है, नदी के चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहां तक कि अगर किसी की जमीन भी है तो उस जमीन के बदले भी फर्जी कागज बना करके जमीन को भी लोग लूटने का, लुटाने का काम करते हैं। चाहे वो रांची हो, चाहे धनबाद हो, चाहे गिरिडीह हो, चाहे देवघर हो, जहां भी पूरे प्रदेश की यही हाल है। आज तो हालत कानून व्यवस्था की भी इतनी बिगड़ चुकी है, अब झारखंड में जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको भी झारखंड से अब भागने को लोग मजबूर हो गए। आए दिन उनके यहां अपराधियों का टेलीफोनिक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज आता है कि हमें पैसा पहुंचा दो, महीना में पैसा दो, वरना आपके लिए हॉस्पिटल में पहले से आप रूम बुक करा लीजिए। यानी इसके बाद डीजी को बोलने के बाद, एसपी को बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती अपराधियों पर। तो इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं ये कह रहा हूं, क्या जरूरत है कि इस राज्य में और देश में भी 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, बीजेपी की सरकार को बनाना है और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, तभी झारखंड में भी अमन चैन होगा, तभी झारखंड भी विकास करेगा। अब यही आप सब लोगों से निवेदन करूंगा और इसलिए ये जो 30 तारीख से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान है, हम सबको घर घर जाकर के इस देश के, इस राज्य के एक एक परिवार को हमें बतानी है
यही हम निवेदन आप सब लोगों से कर रहे हैं, यही हम अपील कर रहे हैं। और विशेष कुछ न कहते हुए मैं आप अपनी आज अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को हम आमंत्रित करते हैं, जो कि उनको अब उड़ीसा भी जाना है, और इसलिए हम अपने ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी आप आइए, आप इन उपस्थित जनता को आप संबोधित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।